नेक्स्ट इज फंक्शनल कंप्लीटनेस। यहां से दो तीन बार से ज्यादा गेट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और एक बार जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके लिए आपको एक स्पेशल थ्योरम अगर पता है तो आप कुछ ही समय में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली लोग इसको रटते हैं कि ये सारे के सारे बुलियन फंक्शंस क्या हैं, फंक्शनली कंप्लीट है। नाउ तो सबसे बड़ा सवाल ये कि व्हाट इज फंक्शनली कंप्लीट। इन लॉजिक फंक्शनली कंप्लीट सेट इज लॉजिकल कनेक्टिव्स और बुलियन ऑपरेटर्स इज वन विच कैन एक्सप्रेस एनी बुलियन फंक्शन और कैन जनरेट एनी बुलियन एक्सप्रेशन। एक ऐसा सेट जो कि किसी भी बुलियन फंक्शन को जनरेट कर सकता है या एक्सप्रेस कर सकता है, ऐसे सेट को हम फंक्शनली कंप्लीट सेट बोलते हैं। क्लियर है? अगर आप कोई भी बुलियन फंक्शन लिखें तो आप मैं बोलूं एंड और नॉट गेट की हेल्प से आप कोई भी बुलियन फंक्शन लिख सकते हैं, है ना? तो अगर मैं सबसे फेमस वेल नॉट कंप्लीट सेट जो कि फंक्शनली कंप्लीट है, नॉट एंड और गेट का कॉम्बिनेशन, ये एक ऐसा सेट है जो कि फंक्शनली कंप्लीट है। इसकी वजह ये है कि हम इसके थ्रू किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? तो जब किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो कोई बुलियन फंक्शन के लिए ही तो होगा, है ना? नाउ अब आता है कोई और सेट्स भी हैं, तो यस, जो आपके यूनिवर्सल गेट्स हैं नैंड एंड नॉर, ये भी इंडिविजुअल तौर पे खुद ही फंक्शनली कंप्लीट हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि आपने बोल दिया और एंड और नॉट गेट, तो नैंड से मैं सारे के सारे गेट बना सकता हूं, है ना? जो हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके कि नैंड से नॉट कैसे बनता है, नैंड से एंड कैसे बनता है और नैंड से और कैसे बनता है, यहां मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से अगर मैं नॉर गेट की बात करूं तो विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट मैं नॉट एंड और गेट को डिजाइन कर सकता हूं, मतलब इस गेट नॉर गेट से ये सेट बना सकता हूं और ये सेट अपने आप में फंक्शनली कंप्लीट है। तो नैंड इंडिविजुअली और नॉर भी खुद से फंक्शनली कंप्लीट है, या ना? अब आता है ये कि क्या इसके अलावा कोई और गेट कॉम्बिनेशंस आपको दिए जाए तो कैसे चेक करना है कि वो फंक्शनली कंप्लीट है या नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आपको जो जो कॉम्बिनेशन दिए जाए उससे आपको ये चेक करना है नॉट एंड और गेट का कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। लेकिन गेट में एक बार एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसमें एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया गया और उसको पूछा गया कि वो फंक्शनली कंप्लीट है या नहीं। ऐसे सच केसेस में एक एल्गोरिदम या कह सकते एक थ्योरम है विच इज नोन एज पोस्ट फंक्शनल कंप्लीटनेस थ्योरम। पहले उस थ्योरम को देखते हैं, उसके 1 by 1 पॉइंट को पढ़ते हैं, फिर इसके हर एक पॉइंट के मीनिंग को समझते हैं और ये देखते हैं कि नॉट एंड और नॉट एंड और का जो सेट है वो फंक्शनली कंप्लीट इस थ्योरम से कैसे प्रूव हो रहा है ना? और फिर अपन गेट के उस एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। नाउ
system of Boolean functions to be functionally complete if system should have at least one function that does not preserve zero, dusra at least one function that does not preserve one, at least one function that does not linear, at least one function that is not monotone, and at least one function that is not self-dual. अब आपको ये लग रहा होगा कि यार ये चार नई टर्मिनोलॉजी क्या आ गई, जबकि इसमें पांचवे में तो हाँ सेल्फ ड्यूअल सुना हुआ है। तो कुछ लोग तो इस बात पे भी खुश हैं कि कम से कम एक तो सुना हुआ है। नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबको मैं समझा दूंगा। बहुत ही सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ और है नहीं। नाउ थ्योरम ये कहती है अ सिस्टम ऑफ बुलियन फंक्शंस इज फंक्शनली कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ इट फॉलो ऑल अबव ऑल फाइव कंडीशंस। अगर ये पांचों कंडीशन फॉलो करता है आपका जो सेट का एक आपका सेट क्लियर है, आपका जो सेट है वो ये पांचों कंडीशन फॉलो करता है तो वो फंक्शनली कंप्लीट सेट माना जाएगा। और सेट के अंदर जैसे नॉट एंड और नॉर सॉरी नॉट एंड और ये तीनों में से कोई भी एक फंक्शन प्रिजर्व जीरो नहीं करता हो, कोई भी दूसरा फंक्शन या वो सेम फंक्शन वन प्रिजर्व नहीं करता हो, लीनियर भी ना हो, मोनोटोन भी ना हो, सेल्फ ड्यूअल भी ना हो, कोई भी, तब हम बोल देंगे ये सेट कौन है, फंक्शनली कंप्लीट सेट। अब अपन पहले तो इन सब की टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। प्रिजर्व जीरो का मतलब क्या है, तो नॉट प्रिजर्विंग उसका ऑपोजिट है ना। वन बाय वन इसको देखते हैं विद एग्जांपल। इज देयर एनी डाउट?